ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 4 सितंबर शनिवार आज के मेष राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने में सक्षम रहेंगे। जी हाँ दोस्तों आज आपको नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं आप नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। दोस्तों धन प्राप्ति के अवसरों में कुछ वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति प्राप्ति के ये भी योग बन रहे हैं। यदि आपको अभी तक स्थायी नौकरी या व्यवसाय अभी तक नहीं मिला है तो वह संभव है कुछ समय बाद आपको मिल जाए। किसी व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं होगा। चल अचल संपत्ति से लाभ के योग रहेंगे। मित्रों और सहयोग से सहयोग प्राप्त होगा। आपका तनाव कुछ कम होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। दोस्तों आपके गुप्त शत्रु पैदा होंगे, विरोधी होंगे। आपको अपनी वाणी पर काबू रखना होगा, संयम से कार्य करना होगा। आपके विरोधी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिक दूरी की यात्राएं आपकी मानसिक और शारीरिक समस्याएं बढ़ा सकती हैं। अपने मन और दिमाग को शांत रख के दूसरों को मौका ना दें, सावधान रहें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका घर परिवार कैसा रहने वाला है। आज का दिन बिगड़े हुए कार्यों और संबंधों को सुधारने के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। शादीशुदा महिलाएं सभी गलत फहमियों को दूर कर सकेंगी और अपने परिवार के साथ संबंधों को मजबूत कर पाएंगी। जीवन साथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत हो जाएंगे। घर परिवार में आज खुशियों का माहौल रहेगा। दोस्तों आज खरीदारी और घर सजावट के कार्यों और सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों पर भी आप अधिक धन खर्च कर सकते हैं, मगर परिवार की खुशियों के आगे यह कुछ भी नहीं होगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। इस समय भाई बहनों के रिश्तों में और मजबूती आ जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज व्यवसाय के लिए लाभप्रद दिन है। व्यवसाय कुछ मिला जुला रहेगा और साथ ही व्यवसाय में लाभ के योग भी रहेंगे। व्यवसाय के नजरिए से आज लाभ का दिन है। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि के योग भी रहेंगे। व्यापार के नए अवसर भी आपके हाथ आएंगे और नए अवसर ये स्थायी रूप ले लेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। दोस्तों आज दाम्पत्य जीवन में आपका जीवन साथी आपसे अपने मनमुटाव भूलकर आपके काफी नजदीक आ जाएगा। जीवन साथी के दीर्घायु होने की कामना आपको करनी चाहिए। आप भी जीवन साथी के साथ सभी विवाद बुलाकर उन्हें सहयोग करें। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जीवन साथी से आपको कोई गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। इससे आपकी खुशियां और दुगनी हो जाएंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी उत्तम रहेगा। थोड़ी बहुत सर्दी जनित बीमारियां हो सकती हैं, उसमें से भी आपको जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। और अधिक स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल को जल अर्पित करें और वहीं पर आसन ग्रहण करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम सैष शनिश्चराय नमः, ओम सैष शनिश्चराय नमः। ऐसा करने से आपकी अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों आपको भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।